हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो अलग अलग कुल्फ़ी के रेसिपी, मैंगो कुल्फ़ी और पिस्ता कुल्फ़ी, वो भी बिना दूध उबले झटपट बनने वाली कुल्फ़ी। और कुल्फ़ी तो सबको पसंद है। रिसेंटली मैंने आपका साथ चॉकलेट कुल्फ़ी का रेसिपी भी शेयर किया था। तो चले शुरू करें। सबसे पहले कुल्फी के लिए हम बेस बनाएंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 400 ग्राम्स हेवी क्रीम, 200 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क। मैंने इलेक्ट्रिक बीटर लिया है, 4 से 5 मिनट लगेगा। आप हैंड व्हिक्स भी ले सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लो स्पीड में हमें अलग अलग कुल्फी बना रहे हैं, इसलिए एक बार आप बेस्ट बना लोगे फिर आप जो भी फ्लेवर्स का कुल्फी आपको चाहिए आप बना सकते हो, एकदम इजी है। इधर मैंने एक आम लिया है और आम मैंने बारीक काट कर मिक्सिंग जार में डाल दिया है। अभी हमें मिक्सी पर ग्राइंड करके इसका पल्प बनाएंगे, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। चलिए मैंगो पल्प डाल देते हैं। मैंगो रिलेटेड कुछ रेसिपीज़ मेरा चैनल पे है, जैसे मैंगो आइसक्रीम, मैंगो फिरनी, मैंगो शीरा, मैंगो चटनी और भी रेसिपीज़ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। अभी मैं 2 ड्रॉप्स मैंगो एसेंस इसमें ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो। एसेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ज़्यादा ना डालें। 1/4 छोटे चम्मच 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, होममेड इलायची पाउडर है, ये भी ऑप्शनल है। अभी फिर से एक बार बीट कर लेते हैं। मैंगो कुल्फी का भी हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह कुल्फी का फोल्ड लेके इसमें डालें। कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आया देखिए। आप चाहो तो कुल्फी का लीड भी रख सकते हो। सेंटर में छुरी से थोड़ा सा काट करना है हमें और एक आइसक्रीम स्टिक रखना है इसी तरह। और आप चाहो तो इसे मटके में भी रख सकते हो, कुल्फी जमा सकते हो। अगर आपको आज का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज जाने से पहले एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरा चैनल पे नए हो, आगे और भी नया रेसिपीज देखने के लिए मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरा साथ रहिए। ऊपर से थोड़ा सा बादाम और पिस्ता से गार्निश कर देते हैं, ऑप्शनल है, देखने में अच्छा लगता है मटका कुल्फी गार्निश करने से। थोड़ा सा पिस्ता, इसे भी हम वाइट पेपर से रैप कर देते हैं। और आप चाहो तो डिस्पोजेबल कप भी ले सकते हो। इसे भी हम गार्निश कर देते हैं। और रैप करना है और हमें ओवरनाइट फ्रीजर में रखना है 7 to 8 आवर्स। बाकी मैं रेडी कर लेती हूँ मैंगो कुल्फी। मैंगो कुल्फी रेडी कर लिया, इसे हम फ्रीजर में रख देते हैं ओवरनाइट 7 से 8 घंटे, फिर हम पिस्ता कुल्फी बनाएंगे। पिस्ता कुल्फी के लिए इधर मैंने 50 ग्राम्स पिस्ता लिया है। अभी हम मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। पिस्ता का पाउडर मैंने बना लिया है। अभी हमने जो कुल्फी का पेस्ट रेडी किया है इसमें से 3-4 चम्मच पिस्ता में डाल के स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। पानी बिल्कुल भी ना डालें, इसमें पेस्ट बना लेते हैं। पिस्ता का पेस्ट बना लिया, ये डाल देते हैं। पिस्ता कुल्फी के लिए
द एसेंस मैं दो ड्रॉप इसमें ऐड कर रही हूँ, एक चौथाई 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। मेरा पास ग्रीन फूड कलर है, ये ऑप्शनल है। लाइट पिस्ता कलर लाने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, टूथपिक से मैं ले रही हूँ ताकि ज्यादा ना गिरे। ज़्यादा फूड कलर नहीं डालना है, अगर आप फूड कलर यूज कर रहे हो तो लिक्विड फूड कलर भी आप ले सकते हो। चलिए अभी कुल्फी का मोल्ड पे डाल देते हैं। बॉयल पेपर से रैप कर लेना और सेंटर में हमें काट करना है, आइसक्रीम स्टिक रखना है। थोड़ा सा बादाम और पिस्ता से गार्निश करना है। डिस्पोजेबल कप में भी डाल देते हैं। बाकी पिस्ता कुल्फी मोल्ड में डाल के रेडी कर लेती हूँ। पिस्ता कुल्फी भी रेडी हो गया, इसे भी हम फ्रीजर में रख देते हैं ओवरनाइट 7 to 8 hours। ओवरनाइट फ्रीजर में डाल दिया था, अभी चेक करते हैं। हाथ से गर्मी का वजह से थोड़ा मेल्ट हो जाता है, फिर निकालना इजी पड़ता है। अच्छा कुल्फी बना है, मैंगो कुल्फी जो मटके में हमने रखा था, ये भी चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा से जम गया है कुल्फी। ये है डिस्पोजेबल जो कप है इसमें रख दिया था। अभी हम पिस्ता कुल्फी चेक करेंगे। अब चाहो तो थोड़ा सा लुकवार्म पानी में इसी तरह कुल्फी का जो मोल्ड है इसी तरह भिगो के बाद में निकाल सकते हो, इसमें जल्दी मेल्ट हो जाता है, निकल जाता है। या तो आप इसी तरह हाथ से मसाज कर सकते हो, हाथ का गर्मी का वजह से भी निकल जाता है। ये देखिए इतना अच्छा पिस्ता कुल्फी बना है, मटके का भी देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा कुल्फी बना है। आप भी इसी तरह घर में ही कुल्फी बनाए, मार्केट से लाने का जरूरत नहीं है, और समर एंजॉय करें। आई होप आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।